नमस्कार दोस्तों, नॉलेज इन यू में आपका स्वागत है। आज आप सोचेंगे कि हमने मोबाइल फोन से हटकर आज हमारे टेबल पे ये क्या है। ये एक इंटेल प्रोसेसर है, थर्ड जनरेशन कोर i3 3.3 GHz। पर आज हम करने वाले क्या है, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीका है। हम में से कई टेक्नीशियंस बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बहुत ही सोचते हैं कि अपने कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, खासकर जब आप पुराने जनरेशन के प्रोसेसर्स यूज कर रहे हो तब। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी कंप्यूटर में हीट मैनेजमेंट की। हीट मैनेजमेंट मतलब जो कंप्यूटर आपका गर्मी पैदा कर रहा है उसे जल्द से जल्द कंप्यूटर से यानी कि सीपीयू के ऊपर से कैसे हटाया जाए यानी डिस्प्लेस किया जाए। जितना जल्दी आपकी हीट डिस्प्लेस होगी उतना ही जल्दी आपका प्रोसेसर रिस्पॉन्ड करेगा अपनी क्वेरी से यानी कि अपनी प्रोसेस से। अब जनरली होता यह है कि आप सीपीयू डालते हैं मदरबोर्ड पर और उसके ऊपर थोड़ा सा हीट पेस्ट लगाकर उसके ऊपर फैन रखते हैं। ये एक बहुत ही पुराना तरीका है आप अपने कंप्यूटर को फिर से जिसे रीपेस्टिंग कहते हैं, आप रीपेस्टिंग करके उसे फिर से कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, इंटेल के प्रोसेसर्स के अंदर ऑलरेडी हीट पेस्ट हुआ होता है। अब ये कैसे होता है, आप मेरे सामने देख रहे हैं एक प्रोसेसर है, अगर मैं इसे इस तरफ घुमाऊंगा तो आप यहाँ पे दो लेयर देख पाएंगे। एक लेयर है जो सर्किट बोर्ड है और उसके ऊपर एक मेटल पीस है जो कि हीट सिंक है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सीपीयू में एक लेयर है सर्किट बोर्ड जिसके ऊपर सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है उसमें ट्रांजिस्टर्स की संख्या और कोर्स की संख्या बढ़ती जाती है और उसी से आपको फास्ट प्रोसेसर्स स्लो प्रोसेसर्स के बीच का अंतर फर्क पड़ता है, जैसे कि कोर i3 हो गया, कोर i5 हो गया, कोर i7 हो गया, Xeon हो गई और वैसे दूसरी कंपनीज जैसे कि AMD है। पर प्रोसेसर का काम करने का फंडा लगभग यूनिवर्सली एक ही है, सर्किट बोर्ड और उसके ऊपर मेटल पीस। अब सर्किट बोर्ड के ऊपर ये मेन जो CPU है वो हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करके मेटल पीस पे ट्रांसफर करता है और मेटल पीस से फैन लग के फैन के ऊपर ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि पुराने प्रोसेसर्स में अंदर की जो पेस्ट की गई होती है हीट वो बहुत सूख गई होती है, ड्राई हो गई होती है और जैसे जैसे सीपीयू की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे परफॉर्मेंस उसका डाउन होता जाता है। अब ये करने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप टेक्निकली जानकार नहीं हैं तो हम ये करने की सलाह नहीं देंगे। हालांकि इससे फर्क पड़ता है, यस फर्क पड़ता है इससे, पर नोटिस करने वाला फर्क तभी पड़ेगा जब आप हैवी प्रोसेस कोई अपने कंप्यूटर से कर रहे हो, जैसे कि वीडियो रेंडरिंग, मोबाइल्स के फ्लैशेस, जो भी कंप्यूटर में आप अगर हैवी काम करते हैं वहां पे फर्क पड़ता है क्योंकि आपका CPU कॉन्स्टेंट हीट जनरेट कर रहा होता है और उसे डिस्प्लेसमेंट की इमीडिएट जरूरत होती है। हमारे पास एक कंप्यूटर था, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कोर i3 प्रोसेसर है, 3.3 GHz का थर्ड जनरेशन CPU है और अभी तक इसमें हमने सिर्फ रीपेस्टिंग करके किया था, पर फिर भी नॉर्मल टेम्परेचर जब हमने किया तब हमारे कंप्यूटर के बायोस में इसका नॉर्मल टेम्परेचर भी 50°C बताता है, मतलब कि ये काफी हीट रहता है। उसका एक ही मतलब है कि ना काम करने के बावजूद भी अगर आपका कंप्यूटर ज्यादा टेम्परेचर बता रहा हो तो मतलब है कि आपका डीलिडिंग करने का समय हो गया है। अब आप देखेंगे मेरे हाथ में, ध्यान से देखेंगे मेटल के चारों कोनों में आपको काला कलर का ग्लू दिखेगा, ध्यान से देखिए काला कलर का ग्लू चिपका हुआ मिलेगा। अब ये इंडस्ट्रियल एडहेसिव है, इंडस्ट्रियल एडहेसिव बहुत ही जिद्दी किस्म का ग्लू होता है जो बहुत ही फर्म तरीके से किसी भी दो एलिमेंट्स को चिपका देगा। अब इसे करने के लिए हमें चाहिए एक शार्प ब्लेड, ध्यान रहे ये ब्लेड है और
आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कैसे किस तरह कर रहे हैं, इससे जख्म भी हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों एक CPU डी ब्लेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ में ब्लेड ले लीजिए, हल्के से CPU के चारों कोनों में हल्के से धीरे 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 लगाते जाएं। पहले कोनों में करना जरूरी है। धीरे धीरे से आप आगे बढ़ते जाइए। अब जैसे जैसे काम करना शुरू करेंगे आपको गम निकलता दिखाई देगा, जैसे कि ये है। ध्यान रहे ये प्रोसेस करते टाइम आपकी ब्लेड घूम रही है जो कि बहुत ही शार्प है। आई विल एडवाइज बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं और आपके हाथ में ब्लेड है, आपका ध्यान कहीं और भटकना नहीं चाहिए। किसी भी समय आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, इसे बहुत ही प्यार से निकालना है। एक गम को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, इसे जबरदस्ती ना करें, आराम से पेशेंस से काम लें। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर देने से हमारी ब्लेड अंदर जा चुकी है। अब ध्यान रहे बहुत ही हौले हौले से ऐसे ही चारों कोनों में आपको अंदर ब्लेड डालनी है। ये एक और कोने में मेरी ब्लेड जा चुकी है, यानी कि यहां पे CPU हमारा निकल चुका है, गम यहां से निकल चुका है। ये एक और कॉर्नर में हमारा ब्लेड जा चुका है, जिसने यहां से हमारा गम निकल चुका है। थोड़ा सा हौले हौले से हाथ अंदर जाने दें और मेक श्योर करें कि आपके CPU को नुकसान ना होने पाए। आपके हाथ में एक बहुत ही शार्प ब्लेड है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने हमारा CPU डीलीडेड हो चुका है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ऑलरेडी पेस्टिंग जो है वो बहुत बहुत ही ड्राई हो चुका है। आप करेंगे ये कि इसे करना है सुपर क्लीन, मतलब कि इसे एकदम से साफ कर देना है।
सो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने दोनों पीस सुपर क्लीन कर दिए हैं और सारा उसके ऊपर लगा पुराना पेस्ट जितना भी था हमने क्लीन कर दिया है। ये है आपका एक्चुअल इंटेल प्रोसेसर और ये है उसका मेटल हीट सिंक। अब ध्यान ये रखना है कि आपके पेस्टिंग के समय जिस दिशा में आपका सीपीयू था उसी दिशा में आपका सीपीयू रहना चाहिए। ये प्रिंट मैच है, ध्यान रहे आगे पीछे ना हो पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने डी लीडिंग करने के बाद, सारी सफाई करने के बाद हमारे पास मेटल पीस और प्रोसेसर दोनों है। अब इसे करना है हमें री पेस्टिंग। मेरे पास यहाँ पे है एक थर्मल कंपाउंड, जिसे थर्मल हीट कंपाउंड बोलते हैं, जिसे पेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आपको बहुत ही कम मात्रा में लगाना है, मतलब नाम के लिए लगाना है। याद रहे, ज्यादा कंपाउंड लगाना सल्यूशन नहीं होता। कंपाउंड की मात्रा बहुत ही, जितनी हो सके उतनी कम। ये कंपाउंड सिर्फ इसीलिए है कि प्रोसेसर और मेटल पीस के बीच की जगह जो है वो हवा से ना रहे और उसको कवर कर दिया जाए। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने रीपेस्टिंग कर दिया है, थर्मल कंपाउंड रख दिया है। अब समय है आपके हीट सिंक पेस्ट पे जो हमने पुराना एडहेसिव निकाला था उसकी जगह नया एडहेसिव लगाने की। हल्के से, बहुत ही कम मात्रा में लगाना है, मात्रा ज्यादा ना हो पाए। अंदर भी जाता है तो कोई इश्यू है नहीं वैसे, पर प्रयत्न करें कि अंदर ना जाए और सीपीयू के अंदर का एरिया जितना हो सके क्लीन रहे। याद रहे, आपको पेस्ट को, थर्मल कंपाउंड को फैलाना नहीं है। जिस कंडीशन में है वैसे रहने दीजिए आप। उसके ऊपर जब मेटल पीस रखेंगे तब वो अपने आप अपनी जगह से स्प्रेड होके सेट हो जाएगा। प्रोसेसर रखने के समय उसका ध्यान रखें, प्लेसमेंट आपकी थोड़ी भी क्रॉस ना हो, लाइंस मैच कर ले, आपका प्रोसेसर कहीं और थोड़ा भी हिला ना हो अपनी जगह से। सो आप ध्यान रखें कि अपना प्रोसेसर जो है वो उसी प्लेस में रहे जैसे वो पहले था। इसके अलाइनमेंट जाने पर कंप्यूटर सीपीयू ना काम करने का चांस है। वो भी एक कारण हो सकता है कि आपका सीपीयू चालू नहीं हुआ, क्योंकि सॉकेट जो है वो अपनी जगह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने हमारा सीपीयू डी लीडिंग करके फिर से उसके ऊपर मेटल पीस चिपका दिया है। अब समय है आप सबको इसका परफॉर्मेंस दिखाने का, जो कि अगले भाग में हम दिखा सकते हैं। नॉलेज इन यू की वीडियोस आशा है आपको अच्छी लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद, और हमें बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए आप क्या देखना चाहेंगे और आप क्या जानना चाहेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस बात को रखें और आपको उसकी जानकारी दें। थैंक यू, धन्यवाद।